इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, जो दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली, जो किसी को बुलाएंगे तो उसको पैसेज तो चाहिए ना। श्रद्धालु को हम लोग फोर्सिबली हटा नहीं सकते, इसीलिए बाबा ने दिव्य दरबार का कार्यक्रम कर दिया था कि नहीं हो पाएगा। हम लोग टाइमिंग पे अभी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो बड़ा क्योस हो जाता है, तो हम लोग सोचेंगे टाइमिंग पहले हो, कथा प्रारंभ हो, जो सूर्यास्त होते होते कथा खत्म हो। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री का अब दिव्य दरबार नहीं लगेगा, जो उनके चहेते और जो अपना किस्मत अजमाना चाह रहे थे पटना में, अब दिव्य दरबार नहीं लगेगा। आयोजन किए हुए समिति के संरक्षक अरविंद ठाकुर ने साफ तौर से कहा कि पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है, भीड़ लगातार बढ़ रही है लेकिन पुलिस के तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण दिव्य दरबार नहीं लगेगा। आधी रात को धीरेंद्र शास्त्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद गिने चुने लोगों का पर्चा खुला, यानी यूं कहिए वीआईपी लोगों का आधी रात में पर्चा खुला और बिहार के आम जनता जो आस लगाए हुए थे, भक्ति में लीन थे, उनका भी सपना था दिव्य दरबार में जाएं, मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन अब दिव्य दरबार नहीं लगेगा। धीरेंद्र शास्त्री को चाहने वाले के लिए ये बुरी खबर है कि राजधानी पटना के नौबतपुर के तते में जो आयोजन किया गया था हनुमत कथा का, एक दिन का दिव्य दरबार रखा गया था, लेकिन वह दिव्य दरबार अब नहीं लगेगा। देखिए इस खबर में है कि नीचे कर लो भाई, और आप लोगों ने कैंसिल किया, क्या कुछ कारण? बाबा ने मंच पर से ही कह दिया कल के दिव्य दरबार के बारे में कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, जो दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली, जो किसी को बुलाएंगे तो उसको पैसेज तो चाहिए ना, वो पैसेज जो है देने में, क्योंकि पंडाल में पूरे तीनों पंडाल मेरा भर गया है, न प्रशासन के अति से उठ सकता है, न वॉलंटियर के अति से, श्रद्धालु को हम लोग फोर्सिबली हटा नहीं सकते, इसीलिए बाबा ने दिव्य दरबार का कार्यक्रम कह दिया था कि नहीं हो पाएगा, और लेकिन कथा होगा और हम लोग टाइमिंग पे अभी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो बड़ा क्योस हो जाता है, तो हम लोग सोचेंगे टाइमिंग पहले हो, कथा प्रारंभ हो, जो सूर्यास्त होते होते कथा खत्म हो जाए। सबका सहयोग है हमको, सीताराम जी के आशीर्वाद से सबका सहयोग है।